हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो मैं आज से बात करने वाला हूँ कैम्बर के बारे में। जैसे आपको पता है कि ये वीडियो मैं सिविल इंजीनियरिंग के गेट के एग्जाम्स के बारे में, आईएएस जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम के बारे में बनाता हूँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाला है कैम्बर के बारे में और क्रॉस स्लोप के बारे में। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वॉट इज कैम्बर, ठीक है। कैम्बर होता क्या है? तो इसका फंक्शन ये है, टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड साइड, ठीक है। मतलब जो भी आपका वाटर रहता है, वॉट एवर योर वाटर यू हैव, ठीक है, मतलब जो आपका रोड सरफेस है उसके ऊपर जो भी रेन का वाटर आता है उसको साइड में करने का काम कैम्बर करता है। ये क्यों होता है? बिकॉज जो हमारा रोड सरफेस रहता है उसका सेंटर पोर्शन समवॉट अप रहता है, जो थोड़ा अप पोर्शन रहता है उसको हम कैम्बर बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन ये है, अगर आपके रोड के ऊपर कुछ वाटर होता है, ठीक है, बारिश का जो वाटर है, तो इसके वजह से क्या होता है ना, जो फ्रिक्शन होता है रोड और टायर के बीच का, वो हो जाता है क्रम। तो इसके वजह से आपका जो रेजिस्टेंस होता है, ब्रेक मारने गाड़ी रुकती नहीं है, स्लीड हो जाती है, स्कीड हो जाती है, ठीक है। तो वो ये सारे प्रॉब्लम इसके वजह से होते हैं। तो कैम्बर इन्हीं चीज़ों के लिए दिया जाता है ताकि एक्सीडेंट्स ड्यू टू रेन वाटर वगैरह ना हो। और उसमें बहुत दूसरे भी फैक्टर्स है, जैसे कि पानी जो हमारा वाटर है अगर रोड के ऊपर जम गया तो वो इनडायरेक्टली थ्रू परमेबिलिटी एक्शंस के थ्रू इनडायरेक्टली आपके सबग्रेड तक जाएगा, तो उससे भी आपका पूरा जो भी स्ट्रक्चर है रोड का वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। टू कवर द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द रोड, ओके, द बीनी स्ट्रक्चर ऑफ द रोड, जैसे DBM हो गया, GSB हो गया, सबग्रेड हो गया, ओके, जो सब कॉम्पैक्टेड सब बेस हो गया, इनको सेव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं। तो मेन फंक्शन ये है, टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड साइड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। नाउ लेट्स जस्ट फोकस मी ऑन, ओके। सो नाउ उसके बाद, बेटर सरफेस ड्रेनेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इन टू सबग्रेड, ऑल्सो टू मेक सरफेस ड्राई सून आफ्टर द रेन सो दैट स्कीड रेजिस्टेंस डज नॉट रिड्यूस, ओके। मतलब क्या होता है, जैसे कि जैसी बारिश हो गई, तो बारिश होते ही आपके जो रोड सरफेस है उसके ऊपर का वाटर जल्दी साइड में होना चाहिए, ताकि जो भी आपका स्कीड रेजिस्टेंस है ये कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका स्कीड रेजिस्टेंस अगर आपका कम हो जाता है, तो देर इज अ चांसेस टू ऑकर द एक्सीडेंट्स, मैक्सिमम चांसेस है कि वहां पे एक्सीडेंट्स हो गए हो गए। बट अगर इन द केस आपके इसमें स्कीड रेजिस्टेंस कम है, ओके, तो आप एक्सीडेंट्स तो होंगे, लेकिन अगर वो कम नहीं है, प्रॉपर है, तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट ज्यादा नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कैम्बर, इसके लिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कैम्बर हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वाटर है, जो रोड के ऊपर जो वाटर आता है ड्यू टू रेन, ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, ओके, उसको आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी रोड से साइड कराना, ताकि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो, नो एक्सीडेंट्स हो, मतलब एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए, स्कीड रेजिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कैम्बर, जिसमें थ्री टाइप के हम कैम्बर बोल सकते हैं, जैसे पैराबोलिक और इलिप्टिकल शेप, ठीक है, पैराबोलिक शेप में और इलिप्टिकल शेप में, ठीक है, जिसका आप इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हो, वाई इक्वल टू 2x² अपॉन NW, ओके। आपके गेट के एग्जाम में अगर आपको पूछता है कि वॉट डिफाइन द वाई, ठीक है, अगर आपको बहुत सारे इक्वेशन दे दिए और आपको वो पूछते हैं कि वॉट इज द इक्वेशन फॉर द पैराबोलिक और इलिप्टिकल शेप, तो आप उसका ये आंसर देंगे, वाई इक्वल टू 2x² अपॉन NW, ओके। नाउ उसके बाद सेकंड नंबर का जो कैम्बर आता है, सेकंड टाइप ऑफ कैम्बर, ये है स्ट्रेट लाइन कैम्बर। स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है आपका, ठीक है, और थर्ड जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक स्लोप, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पैराबोलिक और इलिप्टिकल शेप, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे वाई इक्वल टू 2x² अपॉन NW है, तो यहाँ पे W इज नथिंग बट ओवरऑल विड्थ, टोटल जो भी आपका रोड है उसका टोटल विड्थ है यहाँ पे, ओके, यानी इज नथिंग बट जो भी आपका स्लोप रहेगा 1 in n, ठीक है। तो 1:1:3, 1:4, 1:5, जो भी आपका स्लोप रहेगा वो आपको एन यहाँ पे भरना है। एक्स इज नथिंग बट ये डिस्टेंस, ठीक है, ये भी आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपका एक्स रहेगा। नाउ वाई इज नथिंग बट ओवरऑल डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे वाई आपको स्लोप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इज वाई वी नीड टू कैलकुलेट। तो अगर आप पैराबोलिक और इलिप्टिकल शेप निकालते हो तो आपको वाई निकालना इंपॉर्टेंट है, ओके। स्ट्रेट लाइन कैम्बर, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम फंक्शन है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इलिप्टिकल शेप के जगह आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, जो लाइन से वो स्ट्रेट में रहेगी। इलिप्टिकल में सेमी सर्कल भी नहीं होते, पैराबोलिक रहता है, ओके, और स्ट्रेट लाइन में दो हमारे स्ट्रेट लाइन रहती है जो कि एक टॉप कोन क्रिएट करती है, ठीक है। अभी और थर्ड जो टाइप है वो है स्ट्रेट और पैराबोलिक का कॉम्बिनेशन,
ठीक है, तो तीन आपको अगर एग्जाम में पूछते कि व्हाट आर द थ्री काइंड ऑफ द कैम्बर्स या थ्री टाइप्स ऑफ द कैम्बर्स, तो आप बोल सकते हो पैराबोलिक और इलिप्टिकल, स्ट्रेट लाइन कैम्बर एंड थर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक स्लोप। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा दी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, अभी फ्रंटेज रोड, अभी फ्रंटेज रोड मतलब क्या होता है, दीज आर प्रोवाइडेड टू गिव एक्सेस टू प्रॉपर्टीज अलॉन्ग ऑन इम्पॉर्टेंट हाईवे विथ कंट्रोल एक्सेस एज एक्सप्रेस वे और फ्री वे। मतलब क्या होता है, फ्रंटेज रोड वो रोड होते हैं जिसमें आप एक्सेस प्रोवाइड करते हो अलॉन्ग विथ इम्पॉर्टेंट हाईवे, ठीक है, जो कि आपका एक्सप्रेस वे जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रंटेज रोड मतलब जहाँ पे एक्सप्रेस वे रहते हैं, फ्री वे जहाँ से गाड़ी बहुत जल्दी से स्पीड से जाती है। ठीक है, जैसे दिल्ली के जो एक्सप्रेस वे है, ठीक है, जहाँ से मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होता है, नो एनी स्टॉपेज, डायरेक्ट नेशनल हाईवेज अटैच्ड होते हैं उनसे, ओके, और डायरेक्ट फास्ट रैपिड मूवमेंट जहाँ से होती है विथ फास्ट, उसकी डिजाइन स्पीड भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे रोड को फ्रंटेज रोड कहा जाता है। ठीक है, ड्राइववेज, ड्राइववेज मतलब क्या होता है, कनेक्ट द हाईवेज विथ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक फ्यूल सर्विस स्टेशंस। ड्राइववेज वो वेज होता है जहाँ पे, मतलब इस टाइप के रोड होते हैं जहाँ पे हर टाइप के हाईवेज को, वो का स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, बट वहाँ पे भी मतलब कनेक्ट इन टर्म ऑफ इन जो ड्राइववेज है उनके साथ आपको फ्यूल स्टेशन मतलब पेट्रोल पंप या सर्विस स्टेशन सबको दिखेंगे। तो ऐसे रोड जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे इस टाइप की कनेक्टिविटी होती है, वहाँ पे आपको ड्राइववेज बोलते हैं। ठीक है, गार्डरेल्स मतलब क्या होता है, जब व्हेन एम्बैकमेंट इज मोर देन 3 मीटर। गार्डरेल्स हम तब प्रोवाइड करते हैं जब आपकी एम्बैकमेंट हाइट ये 3 मीटर से ज्यादा है। जैसे मान लो आप किसी पहाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी एम्बैकमेंट हाइट थोड़ी ज्यादा है, सरफेस से आप 3 मीटर से, मतलब आप जो लेवल है, एक लेवल है, उस लेवल से आप तीन, ये मान लो एक एस्टैब्लिश ग्राउंड लेवल है, वहां से 3 मीटर हाइट पे हो। ठीक है, तो मिनिमम 3 मीटर इस हाइट होती है, अगर 3 मीटर के हाइट के ऊपर आप रहते हो तो गार्डरेल प्रो, आप देखते होंगे कि एक ऐसी सर्कल, एक ऐसा स्टील का है कि या फिर कुछ अलग मेटल का ही एक गार्ड रेल प्रोवाइड किया जाता है हाईवेज के साइड पे, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, अगर एक्सीडेंट होते भी है तो रिड्यूस द यू नो, जब गाड़ी एक्सीडेंट होते हैं तो एकदम नीचे गिर जाती है, तो इस टाइप के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हम एम्बैकमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ व्हाट इज द विड्थ ऑफ रोडवे और फॉर्मेशन, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन गेट में पूछते ही पूछते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक दो बार तो पूछा ही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए, व्हाट इज द विड्थ ऑफ रोडवे और फॉर्मेशन। ठीक है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन फॉर अ हाईवे ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता है कि व्हाट इज अ विड्थ ऑफ फॉर्मेशन फॉर अ हाईवे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, सो क्या होता है, फॉर्मेशन विड्थ इट्स नथिंग बट इक्वल्स टू कैरिज वे विड्थ। ठीक है, जो भी आपका कैरिज वे होता है जिसके ऊपर आप पूरा, मतलब टोटल आपका कंस्ट्रक्शन होता है हाईवे का, ठीक है, जिसके ऊपर गाड़ी जाती है उनको हम कैरिज वे बोलते हैं, जहां से गाड़ी जाती है आती है जितना रहता है उसको बोलते हैं कैरिज वे, प्लस शोल्डर्स। ठीक है, शोल्डर्स मतलब देखो, अगर बोला जाए अभी जैसे कि अभी यहाँ पे तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, सॉरी, तो चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में तो एक उसके ऊपर विड्थ, तो आइडियल फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द हाईवे का एक वीडियो आने वाला है, उसमें आपको कैरिज वे क्लियर हो जाएगा। कैरिज वे इज नथिंग बट जिसके ऊपर से आपकी गाड़ी जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, कैरिज वे जिसमें आपका सेपरेटर्स भी रहेंगे, सेपरेटर मतलब क्या, जो बीच में लाइन रहती है उसको हम सेपरेटर्स बोलते हैं, प्लस शोल्डर। शोल्डर्स क्या होता है, जो कैरिज वे के बाद जो रहता है, जिसको 1 मीटर, 1 मीटर मिनिमम मैक्सिमम या 1.5 मैक्सिमम उसका थिकनेस रहता है दोनों साइड पे। ठीक है, पहले कैसा था, शोल्डर आपका कैरिज वे, फिर शोल्डर। शोल्डर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि अगर कोई गाड़ी ओवरटेक करती हो तो उसको वहां पे जाके, मतलब रोड खत्म होने के बाद भी थोड़ा एक कच्चा सा रोड बनाया जाता है ताकि गाड़ी उसके ऊपर जाके साइड में निकल सके। ठीक है, ओके, मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, लोग रॉन्ग साइड से भी क्या बोलते हैं उसको, ओवरटेक करते हैं, तो वहां पे उतना स्पेस नहीं रहता है, तो शोल्डर उसके लिए ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फॉर्मेशन विड्थ इज नथिंग बट व्हाट, कैरिज वे मतलब जहां से आपकी गाड़ी आती जाती रहती है, प्लस शोल्डर्स। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने बोला व्हाट इज अ फॉर्मेशन विड्थ, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, एसएससी जेई के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जस्ट डिटरमाइन दी व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर दी व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एग्जैक्ट रोड, तो वहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि शोल्डर, कैरिज वे, शोल्डर, या फिर कैरिज वे प्लस शोल्डर्स। ओके, तो ये दो शोल्डर रहेंगे, एक कैरिज वे रहेगा। ठीक है, नाउ इट इज द टॉप विड्थ ऑफ द हाईवे एम्बैकमेंट, बॉटम विड्थ ऑफ द फॉलिंग कटिंग इंक्लूडिंग द साइड ट्रेन। चलो देखा है, तो एक्चुअली क्या होता है,
ये जो फॉर्मेशन विड्थ है उसके बाद आपका ड्रेन भी कंसेप्ट आता है। जो हाईवेज डिफाइन होते हैं तो हाईवेज के टाइम में आपका कैरिज वे आता है, शोल्डर आता है, फिर उसके बाद ड्रेन आती है। ड्रेन की यूज करते हैं ताकि जो भी आपका कैम्बर से मतलब रेन वाटर या कुछ भी पानी आता है तो वो जो पानी है ये ड्रेन में जाके वो एक प्रॉपर वे से एक जगह पे वो यूटिलाइज मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि आपके रोड के ऊपर अगर पानी गिरता है तो उसको आप कलेक्ट कहाँ पे करोगे? तो उस पानी को कलेक्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए हम ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ड्रेन्स के, तो बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो, तो अभी हम एक टॉपिक के ऊपर आए जिसका है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे मतलब होता क्या है? द एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर द रोड अलॉन्ग इट्स अलाइनमेंट द विड्थ ऑफ दिस एक्वायर्ड लैंड। ठीक है, क्या होता है नॉर्मली राइट ऑफ वे नथिंग बट इक्वल्स टू फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड मार्जिन। जो भी फॉर्मेशन विड्थ ऑफ प्लस रोड मार्जिन, जो भी आपको राइट ऑफ वे मतलब जहां पे आपको हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि आपको फॉर्मेशन विड्थ जहां पे आपका जितना एरिया रहेगा प्लस रोड की मार्जिन। ठीक है, मतलब टोटल राइट ऑफ वे बोला जाए तो इज नथिंग बट द वे द एरिया वेयर यू आर कंस्ट्रक्टिंग द हाईवेज। ओके, सो राइट ऑफ वे एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर द रोड। ठीक है, जितना एरिया आपको रोड को बनाने के लिए चाहिए उतना अलोंग विथ इट्स अलाइनमेंट। ठीक है, मतलब हाईवेज को बनाने के लिए जो एरिया आपको चाहिए उसको राइट ऑफ वे कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्लस थोड़ा एक्सेस एरिया। ओके, नॉर्मल लैंड विथ क्या होता है? फॉर नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे 45 मीटर। ठीक है, ये नॉर्मल लैंड विड्थ होती है। अगर आप नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे बना रहे हो तो 45 मीटर ये आपकी नॉर्मल विड्थ होती है। अभी आप बोलेंगे 45 मीटर तो ज्यादा हो गया, ऐसा कैसे हो गया? देखो क्या होता है, नॉर्मली 45 मीटर ये किस तरीके से होता है आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका ये मेन मान लो कि ये आपका हाईवे आ गया। ठीक है, इफ इट इज 4 लेन तो 2 लेन इधर आएंगे, 2 लेन इधर आएंगे, बीच में आपका डिवाइडर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्लोप आता है, स्लोप आने के बाद फिर आपका सर्विस रोड आता है, सर्विस रोड आने के बाद आपका ड्रेनेज वर्क आता है। तो इस टाइप का टोटल स्ट्रक्चर होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो रहता है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर 45 मीटर में आता है। नॉर्मली अगर आपका नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे तो ये 2 लेन से कम तो कभी होते ही नहीं है। ठीक है, 4 लेन से कभी कम होते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप का कंसेप्ट होता है कि पहले आपका मेन हाईवे, उसके बाद एक कटिंग स्लोप, उसका सर्विस रोड, फिर उसके बाद आपका शोल्डर और ड्रेनेज। तो इस पूरी ओवरऑल जो लेंथ है वो 45 मीटर तक रहती है। मतलब अगर आपके गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ नॉर्मल लैंड विड्थ, तो आप फॉर स्टेट हाईवे एंड नेशनल हाईवे तो आप बोलेंगे 45 मीटर। मैक्सिमम कितने रहती है? वो रहती है 60 मीटर। ठीक है, तो आप अभी बुक में लिख लीजिए कि 45 मीटर इज अ नॉर्मल लैंड विड्थ फॉर अ हाई स्टेट हाईवे एंड नेशनल हाईवे एंड 60 मीटर फॉर दी 60 मीटर फॉर मैक्सिमम लैंड विड्थ फॉर अ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग लाइन्स इज 80 मीटर एंड बिटवीन कंट्रोल लाइन इज 150 मीटर। चलो ये बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो थैंक यू मेरा इस वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम केम्बर के और थोड़े और कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और यस प्लीज़ देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।